कसम है मेरी आंसू न तुम बहाना एक सौ छः है अब मेरे वालिद की शादी 1901 में हुई और 1910 में मैं पैदा हो गया था। हम दिल्ली के कदीमी बाशिंदे हैं। हम शाहजहाँ के साथ आगरे से आए थे और अकबर के ज़माने में हम सिंध के रूलर थे। चंगेज़ खां का हमारी 23 पुश्ते हैं। जब आया है तो 3-4 महीने बम एक्सपोर्ट करने से पहले 3-4 महीने से मेरे था, मेरा कोई भाई नहीं था, न उसे भाई सब तो भगत सिंह को अपने साथ थोड़ी देर कमरे में बैठ के बैठ बम एक्सपोर्ट करने से मना भी किया था। एक जुनून सवार था भगत सिंह को कि किसी तरह से मैं शहीद हो जाऊं लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। फ्रीडम फाइटर तो मैं भी हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं जिंदा रहूं और काम करता रहूं। जो ख्वाब हमने देखा था और जो शहीद होने वालों ने ख्वाब देखा था आज़ादी का, ये वो आज़ादी नहीं है। अब ये आज़ादी देखी थी कि हर आदमी जिस मजहब पे चल रहा है वो चल रहा है, सब मिलके रहेंगे, नाच थत्था होगा, गरीब आराम से रहेगा। अगर वो आज उठ के आ जाएं और ये रंग देखें तो वो कहे कि हमें नहीं रहना, ए परमात्मा हमें वापस बुला ले। अंग्रेज फॉरनर था लेकिन उसने हिंदुस्तान की रियाया को तकलीफ नहीं होने दी। ₹20 सोना था 1920 में, 4 आने तोला चांदी थी, 1 रुपए का 1.25 घी छोड़ गया, 1 आने की 1 रुपए की 5 मन लकड़ियां छोड़ गया जलाने की, शादी ब्याह में शरीक, मरने जीने में शरीक, होली दिवाली में शरीक, तो क्या कायदा था होली के अंदर। जब मुसलमान जान पहचान के सामने आ गए तो गुलाल हथेली पे डाल के उनके यहाँ पर लगा देते माथे पर, ये शुगन था।